In the last class, we were studying about fats. We studied how we will test for fats in the given food item. And now we shall proceed with the next topic. And that is 2.2. What do various nutrients do for our body? Carbohydrates mainly provide energy to our body. Fats also give us energy. ये मैं हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फैट्स जो होते हैं उनका भी मेन फंक्शन यही होता है कि वो भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बट फैट्स जो होते हैं वो कम्पेरेटिवली प्रोवाइड टॉइज द एनर्जी प्रोवाइडेड बाई द कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि जो फैट्स होते हैं वो कम्पेरेटिवली कार्बोहाइड्रेट्स से दोगुनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड वो ऐसे खाने ऐसे फूड जो कि फैट्स और कार्बोहाइड्रेट कंटेन करते हैं उनको हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं इसको कभी कभी ये वन वर्ड में ही पूछता है कि विच न्यूट्रिएंट इज नोन एज द एनर्जी गिविंग फूड ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं तो उसका आंसर आपका हो जाएगा फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स नाउ कमिंग टू द प्रोटीन्स प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आर बॉडी जो प्रोटीन का मेन फंक्शन होता है कि वो क्या किस चीज में हेल्प करते हैं वो हमारी बॉडी के ग्रोथ में और बॉडी के सेल्स के रिपेयर या टिश्यू के रिपेयर में हमारी हेल्प करते हैं यहाँ पे आप देखिए फिगर 2.3 या 2.4 में आपको सोर्सेस दिए हुए हैं फिगर 2.3 में सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ है आपको तो यहाँ पे सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या दिया है राइस बाजरा वीट स्वीट पोटैटो पोटैटो शुगर केन पपाया मेलोन मेलोन मैंगो मेज मेंग, एक्सेट्रा और भी सारे सोर्सेज होते हैं तो ये आपको लर्न करने हैं फिर आप फिगर 2.4 में देखिए तो यहाँ पे सम सोर्सेज ऑफ फैट्स प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स दोनों ही दिया हुआ है सो द सोर्सेज ऑफ फैट्स आर जो प्लांट सोर्सेज होते हैं फैट्स के उसमें क्या दिया है ऑयल्स दिए हैं आपके मस्टर्ड ऑयल सनफ्लावर ऑयल कोकोनट ऑयल सोयाबीन ऑयल नट्स ग्राउंड नट ये सब क्या होते हैं प्लांट सोर्सेज होते हैं द थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम द प्लांट एंड विच प्रोवाइड फैट्स आर नोन एज प्लांट सोर्सेज ऑफ फैट्स देन एनिमल सोर्सेज तो एनिमल सोर्सेज में आपका एनिमल सोर्सेज ऑफ फैट्स फिश मीट घी बटर क्रीम मिल्क दीज थिंग्स आर प्रोवाइडेड बाय द एनिमल्स दे आर नोन एज द एनिमल सोर्सेज ऑफ फैट्स सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन यहाँ पे आपको प्रोटीन के भी ऐसे सोर्सेज दिए हुए प्रोटीन में प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज तो प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन क्या होते हैं पीस ग्राम मूंग तूर दाल बीन्स सोयाबींस तो ये सारे क्या है प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स हैं फिर आपका दिया हुआ है एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन तो एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन में आपका एक्स हुआ पनीर फिश एंड मीट दिया हुआ है प्रोटीन्स आर ऑफेन कॉल्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स तो जैसे मैंने आपको बताया प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये हमारी बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है और ऑल्सो रिपेयर करता है हमारी बॉडी को तो इसलिए हम इसको बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं तो अगर आपसे पूछ दिया जाए विश न्यूट्रिएंट्स आर नो ऑफ एन कॉललेस बॉडी बिल्डिंग फूड तो आपके आंसर क्या होगा प्रोटीन्स हो जाएगा देन अभी तक हमने थ्री न्यूट्रिय के बारे में बात की दैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स नाउ जो दो न्यूट्रिय बच गए हैं वो होते हैं आपके विटामिन मिनरल्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट लेटेस्ट टॉक अबाउट विटामिन प्रोटेक्टिंग आर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस विटामिन कीपिंग अर आईज बोन्स एंड गम्स हेल्दी सी जो विटामिन होते हैं दे आर नीडेड फॉर गुड आई साइट हेल्दी गम्स टीथ एंड बोन्स प्रॉपर डाइजेशन नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ तो विटामिन के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जैसे कि वो हमारी आई साइट को मेनटेन करते हैं हमारे गम्स को हमारे टीथ को मेनटेन करते हैं और हमारे बोन्स को प्रोटेक्ट करते हैं स्ट्रांग बनाते हैं फिर प्रॉपर डाइजेशन में भी विटामिन का एक रोल होता है देन नॉर्मल ग्रोथ के लिए और गुड हेल्थ के लिए भी हमें विटामिन की जरूरत होती है इनफैक्ट विटामिन प्रोटेक्टिंग आर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस जो विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी को बहुत सारे डिजीजेस uh, के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं दो विटामिन आर नीडेड बाय आर बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वाटिटी देर प्रेजेंस इज वेरी एसेंशियल इन आर फूड्स विटामिन होते हैं उनकी जरूरत हमें बहुत स्मॉल अमाउंट में होती है ऑल लेकिन वो बहुत एसेंशियल होते हैं ताकि वो हमारे फूड का पार्ट uh, बने इट इज वेरी एसेंशियल फॉर एस विटामिन देखो बेसिकली जो होते हैं दे आर अल्फाबेट के विटामिन ए हो गया विटामिन बी हो गया सी डी ई और के कभी कभी क्या होता है इन सम केसेज वेन सम सेम अल्फाबेट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट मोर देन वन विटामिन वी पुट डिजिट्स लाइक वन टू एक्सेट्रा जस्ट आफ्टर द लेटर इन लिटिल लोअर पोजिशन सो एज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम जैसे क्या होता है कभी कभी क्या होता है कि एक ही जो अल्फ़ाबेट होता है वो दो विटामिन को एक ही अल्फाबेट होता है वो दो विटामिन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है जैसे आपका बी विटामिन है तो बी के आपको विटामिन बी भी होता है विटामिन बी वन भी होता है विटामिन बी टू भी होता है और टुगेदर उसको हम क्या बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स तो अगर जब एक ही

आर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी विटामिन ए जो होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है वो हमारे स्किन और आइज को हेल्थी रखता है विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट्स अगेंस्ट मैनी डिजीजेज विटामिन सी होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है कि वो हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाता है विटामिन डी हेल्प्स आर फू बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीप्स विटामिन डी जो होता है उनका मेन फंक्शन क्या होता है उनका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो मिनरल्स होते हैं कैल्शियम को उनको यूज करता है ताकि हमारे बोन्स और टीप्स हमारे हड्डियां और दांत स्ट्रांग रह सकें फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन एन फिगर टू पॉइंट सिक्स एंड टू पॉइंट नाइन तो यहाँ पे फिगर टू पॉइंट सिक्स और टू पॉइंट नाइन में टू पॉइंट एट में यहाँ पे ये यह आप सबको आपको दिया हुआ है कि सोर्सेज ऑफ विटामिन डिफरेंट फूड तो देखिए जैसे सबसे पहले यहां पे दिया विटामिन ए के जो सोर्सेज होते हैं आपको मैंने क्या बताया विटामिन ए का मेन फंक्शन क्या होता है ये हमारी आइस को और स्किन को हेल्दी रखता है और इसके सोर्सेज होते हैं पपाया कैरेट मैंगोज मिल्क फिश ऑयल ये सारी जो चीजें होती हैं ये दीज आर द दोर्सेज ऑफ विटामिन ए एंड द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन ए इज़ टू कीप आर स्किन एंड आईज हेल्दी फिर विटामिन बी की बात करें सम सोर्सेज ऑफ तो विटामिन बी या विटामिन विटामिन बी के जो सोर्सेज होते हैं वो होता है राइस वो होता है राइस वीट लिवर तो ये विटामिन बी के सोर्सेज होते हैं सम सोर्सेज ऑफ विटामिन सी विटामिन सी के जो सोर्सेज होते हैं वो होता है विटामिन सी के बारे में आपने सुना आपको मैंने भी बताया कि इनका मेन फंक्शन क्या होता है इट प्रोटेक्ट्स आर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज ये हमारी बॉडी को डिजीजेज से बचाता है एंड द सोर्सेज ऑफ विटामिन सी आर जो भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो विटामिन सी के सोर्सेज होते हैं आंवला लेमन गुआवा ग्रीन चिली ऑरेंज टोमेटो तो ये सारे जो होते हैं दीज आर दोर्सेज ऑफ विटामिन सी देन इन फिगर टू पॉइंट नाइन इट इज गिवन दोसेज ऑफ विटामिन डी विटामिन डी को आपको बताया गया कि विटामिन डी हैज बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीड्स तो जो विटामिन बी का मेन फंक्शन होता है ये क्या होता है इट यूज कैल्शियम टू प्रोटेक्ट आर बोन्स एंड टीड्स और विटामिन डी के जो सोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं मिल्क फिश लिवर एग बटर तो ये सारे जो होते हैं वो विटामिन डी के सोर्सेज होते हैं